मियाँ बीवी ये घर में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट में। इफ्तार के टाइम पे 6:30 के टाइम पे दो औरत लोग इफ्तारी लेके आए थे। दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा खोले बड़े मियाँ। अंदर जाने के बाद वो मियाँ बीवी को दोनों जो औरत इफ्तार लाए सो वाला उसको हाथ पाँव बंद कर टाई करके डराया। डरा के उसमें से कुछ पैसे लेके गए बोल रहा, लाखों रुपया बोल रहा, मगर वो वेरीफाई करना है। ये अभी जो ये विकार उन्निसा थोड़ा मिजाज कम मिजाज ठीक नहीं है तो उस्मानिया को भेजा। ये बड़े मियाँ को कहाँ है क्या हुआ बोल नहीं सक पा रहे। 80 का है उन्होंने दरमियान, तो मेरे मैं बोल नहीं सकता बाबा ऐसा ऐसा है बोल रहा। ये हम तहकीकात करते, करने के बाद चोरों को पकड़ते, पकड़ने के बाद फिर आपको इत्तला देते। थैंक यू। दो ही लोग है, वॉचमैन का वो भी देखा बोल रहा, सब उन्होंने इफ्तार के टाइम पे इफ्तारी लेके आए, खिड़की में से देखे सो जो दिखता दरवाज़ा खटखटाए तो उनको बोला मैं तरकारी करने के लिए तरकारी वो अंदर रखने के लिए गए। उन्होंने 6:30 6:45 के बीच में आके लेके गए बोल रहा। इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करके उसको चोरों को पकड़े। अभी नहीं है, किधर भी नहीं है। वॉचमैन नहीं था, वॉचमैन था, वॉचमैन का बीवी था। वॉचमैन का बीवी ने देखा वो दो औरतों को, उन्हें खुद दरवाजा खोले अंदर गए, कुछ भी नहीं बोला। दोनों लेडीज से आने वाले, दोनों लेडीज ही या बुरखे में है दो लेडीज, उसका नकाब भी नहीं खोला, खाली आंखें दिख रहे थे, वो अंदर गए बोल। और कुछ पब्लिक को कहते हैं बोले तो आप लोग हर एक सीसी कैमरा लेना, नैनू सहितम लेना, वो हर एक राउंड द क्लॉक उन्हें सिक्योरिटी रखते, कोई भी चोर हुए तो पकड़ने को आते। इतने बड़ा बिल्डिंग बना के बाद भी एक भी कैमरा नहीं है, आजू बाजू वाले जाके देखना पड़ रहा है। अभी 9 o'clock से कर्फ्यू चल रहा है, सो बंद हो गए, उसलिए हम एक एक को उठा के देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा। फिर भी सुबह तक हम कुछ नतीजे पे पहुँचे। नहीं पूछा उसको भी बोला ये ऐसा अपार्टमेंट में मिलजुल के रहना है और आप खुद एक कौन आ रहा है कौन जा रहा है बोल के एक कैमरा है नैनू सहितम तो भी लगाओ बोले तो नहीं लगाया। फिर भी उनको एजुकेट करेंगे ये इसके ये मौके पे सब आवाम को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट कम से कम इंडिविजुअल एक दो कैमरा तो लगाए तो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कैमरा तो बोल सकते आप नहीं बोले तो ऐसा ओल्ड एज पीपल सेफ रहना अच्छा है। क्या हुआ था बोल दूर से बोलिए। हाँ क्या हुआ क्या अम्मा? कुछ भी नहीं, मैं खाना खा रही थी तो उससे मैं खटका मारे तो मैं कौन है तो फिर मारे खटका नौकर मारे तो मैं खोली तो जल्दी एक जने किश्ती ले लेके अंदर आई। कई की किश्ती ले गया? इस तारीख का। अच्छा इस तारीख बोल गया तो मैं ऐसी तो वहाँ रख दी। रखने के फिर और एक आई बोले वो पीछे कपड़े गिरे आंटी बोले तो इन्हें छोरे थे वहाँ गिरे थे तो फिर मैं पीछे बोले तो पीछे गई एक जने और एक जने यहाँ छुप गई तो कौन बोले तो सलाम अलैकुम बोले वालेकुम सलाम कौन गए समझी बोले हम फर्स्ट फ्लोर पे से आए। फर्स्ट फ्लोर पे से आए बोल के मेरे को वहाँ क्या क्या लेके गए? लेकर ईटा दिए ईटा के बंद दिए मुँह को हाथों को पाँव को बात नहीं करे वैसा नहीं दिखे उसका आँखों पे बंद दिए बंद देखे वहीं से मेरे को सांस लेना नहीं आया। नहीं अब तू मर गई थे मर गई अब आवाज़ नहीं करना तो सांस लेना नहीं आ रहा था। फिर उसके वहाँ से क्या करे फिर वहाँ खींच के ले आके अलमारी से कुंजिया कहाँ है बोल कहाँ रखी बोल नहीं मालूम बोली तो अच्छा मैं देती हूँ बोलिए उठे तो फिर गिरा जोर से गिरा के चल अब मरती ये चाकू है देख भूख दे दी। चाकू पता है आपको? नहीं हाँ चाकू पता है। हाँ
उसके बाद क्या क्या लेके गए अम्मा आपके पास? कानों में के फूल लाकेट वो चौक था, हाँ चौक था, वो चीज़ा लेके गए। गले में लाकेट थी वो खींच लिए, और अलमारी में पैसे थे, एक में 6 लाख थे और एक में 2 लाख थे शायद, पूरा निकाल लिए। चाबी का है मालिक की, बोल बोल तो तेरे को जान से मार डालने का है। आपके घर में कोई नहीं रहते आपके दोनों के सिवा? बच्चे वगैरह कहाँ रहते हैं आपके? नहीं, एक बच्ची है अपनी। लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप हुसैन यलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप। हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तियाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जन प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933 8555041120। हुसैन यलम कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।